बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जो कि आज हमारा एक टॉपिक है UPL यूनी सेवर अकाउंट। दोस्तों ये भी एक सेविंग अकाउंट की टाइप है। यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं वन बाय वन हर अकाउंट, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो यूज़ में आता है या नहीं आता, जो कस्टमर ओपन करा रहे हैं या नहीं करा रहे, ज़्यादा फोकस किस अकाउंट पे है वो एक अलग बात है। जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, जितने भी करंट अकाउंट हैं, वन बाय वन हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको फुल फ्लेज नॉलेज हो जाए कि UPL में कौन सा कितने अकाउंट हैं, कौन से अकाउंट हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, उनके क्या नाम हैं, ताकि आपके साथ फुल बाय फुल डेटा शेयर हो। तो आज एक छोटा सा अकाउंट है, उसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। UPL सेवर सेविंग अकाउंट है, प्रॉफिट अकाउंट। UPL यूनी सेवर अकाउंट इज एन इनोवेटिव वे ऑफ सर्विंग योर बैंकिंग नीड्स, बी इट ट्रेड, बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस। द UPL यूनी सेवर अलाउज यू मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी येट गिव्स यू ऑप्टिमम रिटर्न्स। UPL यूनी सेवर एक अकाउंट है जो कि सेविंग की टाइप है। इसमें बहुत अच्छा एक फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको एक अच्छा रिटर्न पेश करते हैं। स्पेशल फीचर्स आर इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल चेकिंग अकाउंट, बेहतरीन इनोवेटिव है, इनोवेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें और एक बेहतरीन अच्छे अकाउंट में आ जाता है ये। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस। इसका जो प्रॉफिट है वो मंथली एवरेज बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, कि जितना आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं उसके ऊपर बैंक आपको प्रॉफिट देगा। नंबर थर्ड है, प्रॉफिट पेमेंट इज ऑन 6 मंथली बेसिस। इसका भी कोई RTA जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, रुपी ट्रांजेक्शन अकाउंट, इसका भी जो है ना आपको मंथली जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट होता है आपकी 6 मंथ बाद। प्रॉफिट कैलकुलेट पर मंथ होगा, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा आफ्टर 6 मंथ, यानी कि जनवरी से स्टार्ट होता है साल, तो जून में प्रॉफिट हो, फिर दिसंबर में। बैक्ड बाय द बैंक अवार्डेड ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग, बैंक को एक ट्रिपल ए रेटिंग मिली है UPL को, बैंकिंग अवार्ड भी विन किया है। ट्रिपल ए रेटिंग मीन्स की अच्छी बैंकिंग और बेहतरीन प्रोग्रेस इनकी। अगर आप ये अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट UPL ब्रांच टुडे फॉर फर्दर डिटेल्स और कॉल 1118588 हेल्पलाइन नंबर है। ऑल रेट्स आर इंडिकेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो इसमें प्रॉफिट रेट अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, जो कि बगैर किसी नोटिस के इम्प्लीमेंट हो जाएगा अकाउंट में। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न प्रॉफिट अंडर द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग स्कीम इज गवर्न्ड बाय द बैंक रूल्स अंडर प्रीवेलिंग रेगुलेशन डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ज़कात एंड विदहोल्डिंग टैक्स विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़कात हमेशा सेविंग अकाउंट पर लागू होती है, यानी कि जिस अकाउंट से आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो उसमें ज़कात भी आएगी। अगर कोई चाहता है कि ज़कात एग्जाम्प्ट हो जाए, तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक एफिडेविट है, डिक्लेरेशन है, वो आपको सबमिट करानी पड़ती है, तो आपके अकाउंट ज़कात से एग्जाम्प्ट हो जाता है। विदहोल्डिंग टैक्स विल बी एप्लीकेबल, यानी कि जो भी गवर्नमेंट तरफ से विदहोल्डिंग टैक्स का जो रेट होगा वो इस अकाउंट पर भी लागू होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अकाउंट था, यूनी सेवर अकाउंट, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये जो अकाउंट्स आ रहे हैं, ये जैसे यूनी सेवर आ गया, इससे अगला एक अकाउंट है वो, तो ये ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट हो गए, कैडेट कॉलेज के अकाउंट हो गए, तकरीबन इंस्टीट्यूशन अकाउंट ओपन होते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो अगर सुनते हैं वो भी इंशाल्लाह इस तरह इंफॉर्मेटिव होगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।